बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी। ये अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये अंदर से बहुत ही रेशेदार और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसको 1 वीक के लिए स्टोर करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो का एंड तक देखिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन क्रोकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को बॉयल कर लिया था। बॉयल चिकन को हम श्रेड कर लेंगे फोक की मदद से। बॉयल करते हुए हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको बॉईल कर लिया था। अब इसको हम श्रेड करके साइड पे रख देंगे। साथ ही एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर दरमियानी साइज़ की एक प्याज को चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। ये 250 ग्राम हमने चिकन को बॉईल करके श्रेड किया था। साथ ही थोड़ी सी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चिकन स्टॉक ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ये हमने जिस चिकन को बॉईल किया था, श्रेडेड चिकन जो हमने बॉईल किया था उसी स्टॉक को हमने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप, ये भी चॉप की हुई है। साथ ही कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप, इसको भी हमने चॉप कर लिया था। वेजिस को हमने फुल डन नहीं करना है, फुल फ्लेम पे बस इतनी देर कुक करेंगे कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप की हुई कैबेज, ये भी 1.5 कप इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तमाम वेजेस ऐड करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे और फुल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे कि इसका हल्का सा जो पानी निकला है वो खुश्क हो जाए। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। 4 से 5 आलूओं को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके हम इसको ग्रेटर की मदद से मैश कर लेंगे। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे मैश होते हैं आलू। आलूओं को मैश करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। एग का वाइट पार्ट और एग योक अलग अलग कर लेंगे। एग योक हम बैटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और एग वाइट को हम क्रोकेट्स की कोटिंग करेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, एग योक भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसमें है ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हसबे ज़रूरत आप इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर फिलिंग जो तैयार की है उसको ठंडा होने के लिए रखा था, वो भी इसके अंदर ऐड करके ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको यकजान कर लेंगे। अब इसको हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तमाम चीज़ों को यकजा करने के बाद ऑयल से ग्रीस करके या फिर पानी लगा के इसको क्रोकेट्स की शेप दे देंगे। और इसी तरह हम तमाम कोटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैदा लगाएंगे। साथ ही हमने एग वाइट को फेंट के रखा था, इसके अंदर डिप करके और ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर लेंगे। इसी तरह तमाम क्रोकेट्स की कोटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसको एक ट्रे में रख के फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। ये सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप जब भी फ्रीज़ करने के लिए इसको तैयार करें तो डबल कोटिंग कीजिएगा, उससे ये सिक्योर हो जाएंगे। ये देखें, इस स्टेप पे हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था।
अब इसको हम एयर टाइट बॉक्स में रख के साथ ही बटर पेपर लगा के और इसकी एक और लेयर लगा देंगे और इसको एयर टाइट बॉक्स में रख के तकरीबन हम इसको एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कुछ क्रोकेट्स को मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, वन बाय वन इसके अंदर स्नैक को ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह ऑयल निकाल के और इसको हम सर्व कर देंगे। देखिए, इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर, फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और स्पाइडर की मदद से इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से इसका सारा ऑयल अच्छी तरह निकल जाए, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो यह है रमज़ान स्पेशल चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। यह है क्रोकेट्स का फाइनल लुक। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।